बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ मटन की यखनी, और इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन लिया है। इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज ली है। 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 4 अदद लौंग और 2 स्टिक्स दालचीनी के लिए। 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब प्रेशर कुकर में मटन को शामिल कर दिया है और ये प्याज शामिल कर दी इसमें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। और साबित मसाले और नमक और हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें 3 से 4 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 3.5 ग्लास पानी इसमें शामिल किए। और अब इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब ये 20 मिनट पकने के बाद इसमें ये पानी तकरीबन हाफ रह गया है और गोश्त भी जो है वो बहुत अच्छा गल गया है। आप इसको एक छलनी की मदद से छानकर एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। और ये हमारी यखनी जो है वो मटन यखनी तैयार है। ये नज़ले ज़ुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदा देती है और सर्दी में ठंड लगी हो तो उससे भी फ़ायदा देती है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।